कॉलेज में दो फ्रेशर्स आ गए, ये देख लो कैसा लग रहा है कॉलेज का पहला दिन। काफी खूबसूरत है, अभी अभी 12th से निकले हैं, अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, बहुत ही मस्त है, बहुत मजे करेंगे। मैंने जे एडवांस फर्स्ट रैंक से क्रैक किया है। हाय गाइस, वेलकम आप सभी का एक नए व्लॉग में। इस वीडियो में हम लोग कैंपस टूर करने वाले हैं, बट इस वीडियो में स्पेशलिटी ये है कि मैं कैंपस टूर करूंगा अपनी सिस्टर्स के साथ। सो वेलकम अंजलि, हाय, एंड माय एल्डर सिस्टर नम्रता जो कि मेरे से छोटी लगती है। तो कैसा लग रहा तुम लोग को इनिशियली कॉलेज? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है ये तो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना सुंदर व्यू है, मतलब सामने लेक है, इधर माउंटेन है, बहुत सुंदर है। मतलब ये जो व्यू अभी देख रही हूँ मैं आपको भी दिखाता हूँ, बेसिकली ये वाला व्यू देख रही है, ये जो पीछे लेक दिख रहा है आपको, तो ये वाला व्यू मैंने इनको भी जस्ट दिखाया है। एंड पीछे जो अपने समीर हिल है इस तरफ पे, ये भी इनको दिखाया, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट हाँ। तो चलो अब आगे चलते हैं एंड इनको दूसरी चीज़ें भी दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं थोड़ा सा कॉलेज, एंड साथ साथ आप भी देखो यार, मजे करो, क्यों? यस। तो अभी हम लोग लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं हॉस्टल 17 के, एंड नीचे जा रहे हैं अभी। मे बी इनको मैं मेस दिखाता हूँ, अभी तो चालू नहीं होगा, बट एक बार दिखाता हूँ एंड बाकी चीजें भी दिखाते हैं। एक्साइटेड हो? खाना ही नहीं खाओगे? नहीं अभी खाना, अभी खाना नहीं है, अभी खाना नहीं मिलेगा आपको, टाइम नहीं है ना अभी खाना वाला, यहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे जगह मिलेगा। नो नो फ्री फूड। चलो ग्राउंड फ्लोर आ गया, यहाँ पे मेस है। तो अपना मेस देख के तुम्हें कैसा लगा? बढ़िया, काफी बड़ा है और क्लीन भी बिल्कुल, ये काफी प्रोफेशनल मेस लग रहा है, बाकी कॉलेजेस की कंपैरिजन बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो यार ये अपना पुराना हॉस्टल है 9 एंड आगे सामने 17 है, कैसा लगा मेरा दोनों हॉस्टल देख के? दोनों में काफी डिफरेंस है, लग रहा है ये पुराना है और वो नया है, काफी फैसिलिटी की डिफरेंस। जो लोग इस हॉस्टल में रहते हैं उनका सपना होता है कि उस हॉस्टल में कब जाएंगे। नहीं ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि उस हॉस्टल में थोड़ा सा जो बॉन्डिंग वगैरह कल्चर वो थोड़ा कम है, पुराने हॉस्टल में ज्यादा होता है। अच्छा, पर शिफ्ट तो होंगे ना उसमें, फोर्थ ईयर में, तो वो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है वो लोग हॉस्टल। अच्छा, यहाँ के लोगों को लगता है नए नए आते हैं वो तो जल्दी दोस्त बनते हैं। हाँ, इसमें तो इसका जैसे आप देख सकते हैं एंट्री वगैरह काफी अच्छा है, वैसे तो रूम्स छोटा है बहुत ज्यादा कम्पेयर टू दिस हॉस्टल, हॉस्टल 17 जो कि मेरा नया हॉस्टल है अभी। बट या तुम दोनों को में से सिलेक्ट करना हो तो कौन से हॉस्टल में रहोगे, पुराने वाले में नए वाले? दोनों में हाफ हाफ टाइम दूंगा, मैं नए वाले में रहूंगी, रूम्स ज्यादा अच्छे हैं। चलो बढ़िया। सो यार अभी हम लोग अपने क्लास को दिखा रहे हैं इनको, क्लास में भी तो काम चल रहा है आप देख सकते हो, बिल्कुल काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये। ये देखो क्या बोल रही है, आईआईटी बॉम्बे में बैठ के कैसा लगता है? कैसा लग रहा है, कुछ अलग फील हो रहा है? क्लियर व्यू दिख रहा है, लोग पूछते हैं ना पीछे बैठ के दिखता है कि नहीं बोर्ड, वैसे बोर्ड भी हटा दिया यार अभी तो, रिपेयर चल रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है, कहाँ गई? मुझे भी बढ़िया लग रहा है, मुझे अपने कॉलेज की याद आ गई, हमारा भी कुछ ऐसा हॉल था, ट्रेनिंग्स होती थी हमारी, लोग इसको देखेंगे तो बोलेंगे मेरी छोटी बहन है, बट यार इसका सब कुछ हो चुका है, तो दो तीन साल, तीन साल से जॉब भी कर रही है, चार साल हो गए, एंड उसको देखो वो बिल्कुल हाई टेक। कॉलेज में दो फ्रेशर्स आ गए, ये देख लो कैसा लग रहा है कॉलेज का पहला दिन। काफी खूबसूरत है, अभी अभी 12th से निकले हैं, अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, बहुत ही मस्त है, बहुत मजे करेंगे। मैंने जे एडवांस फर्स्ट रैंक से क्रैक किया है। मैंने सेकंड वो कैमरे के लिए जो थर्ड ये हमारे टॉपर है, इसलिए मैं इसके पास बैठूंगी, ज्ञान लूंगी, ज्ञान आशीर्वाद। चलिए चलते हैं। चलो देख सकते हो यहाँ पे क्लास ऑफ 93 सिल्वर जुबली लिखा हुआ है, 2018 क्लास ऑफ 93 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो लेक्चर हॉल है बेसिकली 93 बैच वालों ने बनवाया है। अभी इनको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ, अभी रिसेंटली 1998 बैच वालों का सिल्वर जुबली हुआ है, मतलब 25 ईयर्स कम्प्लीट हुआ है, एंड उन्होंने रिसेंटली IITB को 57 करोड़ रुपये डोनेट किया है। माय गॉड, तो देख सकते हो मतलब अपने एल्युमिनाई जो है यहाँ से इतना कुछ सीख के जाते हैं, इसके बाद अपनी मेहनत करते हैं एंड देन पैसे अर्न करते हैं बहुत सारे, बट डोनेट करते हैं बैक टू देयर रूट्स, है ना? मैं भी पहले पैसे बहुत सारे कमाएंगे या फिर डोनेट, हाँ फिर डोनेट भी करते रहेंगे यार, बिल्कुल। तो यार अभी हम आए कैफे 92 में एंड अंदर क्योंकि भरा हुआ है, तो ये देखो हमारे जो सैनिक है वो एक तो ऑरेंज जूस पी रही है, एक कौन सा मिल्क शेक है, चॉकलेट मिल्क शेक। तुम्हारे लिए। तो ये है अपना मेन बिल्डिंग सामने जो है, अभी तो रेनोवेशन का काम चल रहा है इस पे। कैसा लगा तुम्हें मेन बिल्डिंग का एरिया देख के? बहुत ही अच्छा, काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बहुत सुंदर भी है, लोग कम दिख रहे हैं आज, छुट्टी है पर बहुत अच्छा
देख सकते हो, मतलब वेल मेंटेन तो है एटलीस्ट। बट हाँ, इधर वाला पार्ट में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। एंड इसको देखो, फोटो वोटो खिंचा के आ रही है, कैसा लग रहा है? इंस्टाग्राम स्टोरी। बिल्डिंग के सामने, ठीक सामने यहाँ पे इन्फिनिटी कॉरिडोर है। एंड यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का मोटो है, ज्ञानम परमम ध्येयम। बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नॉलेज ही हमारा सबसे बड़ा गोल है और हमें वो अचीव करना ही चाहिए। ओहो, तुम्हें तो सब पता है। थैंक यू। इसको देखो, इसको कुछ नहीं पता है, इंस्टाग्राम स्टोरी है ये बस। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा इधर इतना लंबा जो स्ट्रेट पार्ट है, इसको इन्फिनिटी कॉरिडोर बोलते हैं। गैस करो क्यों बोलते हैं इन्फिनिटी कॉरिडोर? तुमको लगता है कि इसका कोई एंड नहीं होगा? हाँ, तो इसमें बेसिकली यही है कि सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे आप देखो IDC दिख रहा है आपको, ठीक है, मेन बिल्डिंग है। ऐसे आगे आप देखो, वहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ना कुछ लिखा हुआ। सिमिलरली आगे आगे देखो सिविल, ऐसे करते करते सारे डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी कॉरिडोर, ना कि कभी ना खत्म होने वाला। मेरा नकल कर रही है। ऐसा ऐसा है यार, आप लोग पहचानते हैं मुझे, काफी अच्छा लगता है। मुझे दूसरे कैंपस के लोग भी पहचानते हैं, काफी काफी अच्छा फील होता है। ऐसे ही प्यार देते रहो। कॉपी कैट है भाई। गुड गुड गुड। तो तुम्हें पता है, अपने जो मेन बिल्डिंग है उसका नाम अब चेंज हो चुका है, नंदन निलेकनी मेन बिल्डिंग हो चुका है। तो नंदन निलेकनी का नाम सुना है पहले कभी? नहीं, अभी जस्ट सुना, पर अभी पता भी चला उनके बारे में। हाँ, वो इंफोसिस के चेयरमैन को फाउंडर है मिस्टर नारायण मूर्ति के साथ। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा आई गेस डोनेट किया है IIT को। एंड दैट इज़ वाई मेन बिल्डिंग का नाम अभी नंदन निलेकनी मेन बिल्डिंग है। तो हैट्स ऑफ टू हिम यार। उम्मीद करते हैं कि हम भी इतना मेहनत करें, पैसे कमाएं और इतने सारे पैसे डोनेट करें, मज़ा आ जाएगा यार बिल्कुल। तो यार ये देखो, ये वाला जो है कॉन्वोकेशन हॉल है। एंड अभी कैंपस भी सजाया हुआ है। कैसा लग रहा है कैंपस का ओवरऑल जो मतलब माहौल है? बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी ही अच्छा है। हमारे कैंपस में ढेर सारे गाय वगैरह भी है। ये देख के कैसा लग रहा है? बैल है क्या? बैल है, जिसे देख के हमें डर लग रहा है। हाँ, ये लोग को डर लग रहा है, इसलिए अभी आगे नहीं जा रहे हम लोग। बट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो जा सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं IIT के जंगलों के बीच में, और इनको मैं बोट हाउस लेके जा रहा हूँ। देखते हैं, सुनसान जगह है बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अभी यार दोपहर के ऑलमोस्ट 12 बज रहे, लोग शाम में या सुबह में आना प्रेफर करते हैं। तो अभी तो शांति है, लोग नहीं है। चलो देखते हैं। एनीवेज, कौन है कौन है कौन है, हम नहीं जानना चाहते कौन है। वो वही है जो हॉस्टलेट की स्टोरी जिसके वजह से हुई थी, आपको पता ना? हॉस्टलेट की स्टोरी अभी नहीं बता सकते, हॉस्टलेट की स्टोरी परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत डरावना, मतलब डरावना नहीं लेकिन बहुत दर्दनाक स्टोरी है वो, अभी नहीं बता रहा मैं। परमिशन लेना पड़ेगा उसको सुनाने के लिए, तो पहले परमिशन लेंगे उसको सुनाने के लिए। मैंने डिसाइड किया कि बोट हाउस के पास ये अबंडेंट सा घर है, इसमें इसको बंद कर देता है। हाँ, बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? काफी खूबसूरत घर है मेरा, थैंक यू। फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड। चलो, कैसा लगा तुम लोगों को ये बोट हाउस? मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कम से कम एक बोट तो दिखेगा, यहाँ तो कुछ नहीं, कोई बोट नहीं है। ऐसे जो अपना बोट हाउस है ना, उसमें बात तो सही है, बोट हाउस के नाम पे एक भी बोट नहीं है। वैसे मैंने सुना था कि पहले लाइक 1990s के आसपास उसमें बोटिंग वगैरह होती थी, बट फिर शायद कुछ मिसफॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था जिस वजह से शायद बोटिंग बंद हो गई। आई एम नॉट श्योर, तो ये बिल्कुल भी डिस्क्लेमर के साथ दे रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, मैंने बस सुना है ये चीज़। तो इस वजह तो इस वजह से शायद बोट हाउस नाम रह गया, बट बोटिंग वोटिंग सब बंद हो गई। ऐसा लग रहा है इन रास्तों पे चल के, शहर के मतलब कैंपस के बाहर की दुनिया भी तुम लोग जस्ट आई ट्रैवल करके, और अभी अंदर की दुनिया, कोई डिफरेंस फील हो रहा है? काफी प्योर हवा, उसकी डिफरेंस है। और यहाँ पे कोयल की आवाज़, सारे जानवरों की आवाज़ बहुत क्लियर सुन दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल यार, अपना कैंपस है ही इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सा। और अभी जिस रास्तों में हम चल रहे हैं यार, ये तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब दोनों तरफ पेड़ है, आपको पीछे एक दोस्त भी हमारा पीछे, पता नहीं मैं जब भी इस रास्तों पे आता हूँ एक दोस्त आ ही जाता है। अभी नाइट वाला ब्लॉग शूट किया था, उसमें भी आ गया था। तो आप देख सकते हो शायद ये दोस्त बन चुका है, तो दोस्त आपके पीछे हमेशा रहते हैं। दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, और इस तरीके से वीडियोस देखते रहे। कैंपस पे घूमते घूमते इनको लगाइए भूख। तो वैसे तो हम बाहर भी जा सकते हैं, बट क्योंकि कैंपस टूर करें तो कैंपस के अंदर कई रेस्टोरेंट दिखा देते हैं आपको। क्यों? खाने का भी रिव्यू, और ये लोग यहाँ पे खाना भी कैसा वो भी बता देंगे। वैसे तो ठीक है, के अंदर आ चुके हैं एंड इसने लड़ाई चालू कर दी है। ये देखिए, ये मारने की तैयारी में है।
तो यार खाना पीना डन हो चुका है, मेरा तो पेट इतना ज़्यादा भर गया कि मैं और तो कुछ भी नहीं खा सकता। तुम लोग क्या है? पंजाबी आलू दम बहुत टेस्टी था, क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी आलू। सो फाइनली मैंने तुम दोनों को अपने कैंपस का काफ़ी सारा चीज़ दिखाया, तो कैसा लगा मेरा कैंपस? तो बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी सुंदर और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें। यस, मेरे को भी काफ़ी पसंद आया। और हम लोग टेक फेस्ट के टाइम गए थे तो काफ़ी डेकोरेशन भी था। एंड ये बताओ, जैसे अभी हम लोग एंडिंग का पार्ट जो है ना वो इमेजिका के अंदर शूट कर रहे हैं यार, कॉलेज से बाहर आ चुके हैं, तो ये बताओ कि अगर कॉलेज और इमेजिका दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो क्या चूज करना? इमेजिका, मस्ती करने के लिए तो इमेजिका है। बट ये तो वन डे है ना, अगर मतलब फन हो, चार साल का हो, कॉलेज कॉलेज दोनों का मापदंड अलग है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट वगैरह होते हैं, तो ऑब्वियसली कॉलेज। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय गाइस, बाय।